देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होती है? ये शब्द बना है, एक होता है परहैप्स, एक होता है प्रोबेबिलिटी। दोनों में अंतर क्या है? प्रायिकता जो होती है वो 99% संभावना है किसी भी चीज की, और परहैप्स शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रायिकता पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ जो है इवेंट होती है उसके हम जो है वो करेंगे। जैसे पहले होता है ट्रायल, एक होता है ट्रायल, TRAIL, ट्रायल। ये ट्रायल होता क्या है? अगर कोई भी घटना बार बार कोई रिपीट हो रही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, उसे कहते हैं ट्रायल। ट्रायल किसे कहते हैं? कोई भी घटना बार बार कोई रिपीट हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, उसको उसको कहते हैं ट्रायल। और इस ट्रायल के लिए कंडीशन, जितनी भी बार हम घटना रिपीट कर रहे हैं सेम होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे हम कोई टॉस है, उसको कॉइन कर रहे हैं, तो उसे हर बार एक ही कंडीशन होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि बदल के कभी खड़ा करके कभी इस तरह, ये ही इस तरह करके। तो उसके क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रायल। एक होता है एलिमेंट्री इवेंट, ये क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट इवेंट। एलिमेंट इवेंट क्या होता है भैया? जितनी भी कोई ट्रायल हो, जितने भी ट्रायल हुए हैं उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितनी भी घटना हुई है उसके जितने भी टोटल नंबर आउटकम होते हैं, जितने, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल, टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम। जैसे हमने एक टॉस को कॉइन करा, एक कॉइन को क्या करा? टॉस करा। जैसे एक उसमें क्या आ सकता है? एक में हेड आ सकता है, एक में क्या आ सकता है? एक बार हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? टेल। ये हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? ये टेल। तो ये कितने कितने आउटकम हो गए? दो आउटकम हो गए। ये लिखेंगे एक सिक्के को, एक सिक्के या एक कॉइन को एक बार टॉस करने से एक बार टॉस करने पर टॉस करने पर टोटल एलिमेंट इवेंट कितनी आ गई? एलिमेंट इवेंट कितनी आ गई? दो। ये आ गई, ठीक। अब अगर हम जो है दो कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें कितने नंबर एलिमेंट, कितने एलिमेंट इवेंट आ जाएंगे? अगर हम कितने को टॉस करते हैं? दो कॉइन को। जैसे दो कॉइन को टॉस करते हैं, पहले में क्या आ सकता है? हेड, टेल, फिर टेल, हेड, फिर हेड, हेड, फिर टेल, टेल। ये चार कॉइन, चार पॉसिबिलिटी आ गई। दो कॉइन को टॉस करने पर कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? दो। क्या आ गई? हेड, टेल, टेल, हेड, 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 टेल, टेल। ये कितने कितने एलिमेंट हो गई? ये टोटल एलिमेंट इवेंट कितने हो गए? यहाँ हो गए चार। यही हो गया। तो ट्रायल क्या था? ट्रायल क्या बताया था अभी? ट्रायल क्या बताया था मैंने? जो एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, ये हो गया ट्रायल। एलिमेंट इवेंट क्या हो गया? टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं। जैसे मान लें एक कॉइन को बार बार एक कॉइन को टॉस करने से कितनी होती है? दो। और दो कॉइन को टॉस करने के लिए
कितने होते हैं? चार, फोर टू कॉइन्स, फोर टू कॉइन्स दो को करने के लिए होती है, कितनी होती है ये? चार। ये होती है चार होती है, ठीक है भाई, समझ में आ गया ये बात। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या इवेंट होती है? वो इवेंट अगर दो इवेंट हैं उनमें से एक हो एक ना हो, एक हो एक ना हो। मान लिए दो इवेंट है, एक इवेंट तो ए है, दूसरी इवेंट क्या है? बी है। एक इवेंट कितनी है? ए है। दूसरी एक इवेंट है ए। मान लिया फर्स्ट इवेंट कितनी है? ए। और जो दूसरी इवेंट है वो कितनी है? बी है। एक इवेंट कितनी है? ए है। दूसरी इवेंट कितनी है? बी है। अगर इन दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो इवेंट हैं उन इवेंट में से कोई भी कॉमन ना हो कुछ भी, तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि ए, इसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। ये निशान क्या है? फाइव। फाइव का क्या होता है? नल। ये जीरो होता है, जीरो का इस तरह पेट फाड़ देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? फाइव। ये निशान है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, आगे बताऊंगा इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में से कुछ भी कॉमन ना हो, दो इवेंट हैं, दो इवेंट एक साथ ना हो, यानी कि एक हो रही हो एक ना हो रही हो, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे दो इवेंट हैं, एक पहली ए है फिर बी है, इन दोनों में से जो कॉमन है कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअली। आगे भाई समझ में बात, ठीक है आगे बढ़े। अच्छा अब जो है एक होता है फेवरेबल इवेंट, एक क्या होता है? फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होता है भैया? अब जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं, जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं वो क्या कहलाते हैं? फेवरेबल इवेंट है किसी भी एक्सपेरिमेंट के, किसी भी एलिमेंट्री इवेंट के जितने भी फेवरेबल केसेस हो वो क्या कहते हैं? फेवरेबल इवेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? फेवरेबल इवेंट कहलाते हैं। जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन को टॉस करके क्या क्या आ सकता है भाई? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये भी बताया था मैंने। तो इसमें हेड आने की क्या क्या है? हेड कितनी बार आ सकता है? हेड एक ही बार आ सकता है, तो इसका ये फेवरेबल इवेंट क्या आ गया? वन। फेवरेबल इवेंट क्या आ गया? वन आ गया। तो फेवरेबल इवेंट कितना आ गया? वन आ गया। टू बी कम हेड, टू बी कम हेड, तो कितना आ गया इवेंट? वन। एक यानी हेड आने का, इस तरह टेल आने का क्या आ गया? टेल आने का भी ये हो गया फेवरेबल इवेंट। ये क्या आ गया? फेवरेबल इवेंट आ गया, ठीक है। अब फिल्म आ गया होगा भैया ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और फेवरेबल भी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बता देते मैंने कि अभी दो इवेंट हैं, दो इवेंट में से एक हो रहा हो एक ना हो रहा हो उसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं कि दो इवेंट हैं, दो इवेंट में से एक हो रहा हो एक ना हो रहा हो
उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है भाई। और फेयरवेल इवेंट किसे बोलते हैं, अगर कोई दो इवेंट है, अगर क्या है कोई इवेंट है जितने भी उसके अंदर फेयरवेल केसेस है लेने हैं फेयरवेल, जैसे मान ले एक कोन को टॉस करा, उसमें से हेड कितने आ रहे, ये हेड आ रहा एक, ये आ गया फेवरेबल, ये क्या आ गया फेवरेबल। अगर मान ले टेल, टेल भी एक बार आ रहा तो ये भी इसका क्या हो गया फेवरेबल होगा ये, ठीक। आगे बढ़े, फिर इसके बाद है एलजेब्रा इवेंट, इसके बाद क्या है एलजेब्रा इवेंट क्या होता है भाई, अगर मैं ये कहूं कि कोई भी नॉट ए, कोई भी जो है कंडीशन है, कोई भी है वो नहीं हो रही है, नॉट ए, नॉट ए, यानी कि ये तो कोई कंडीशन है, ये तो कोई क्या है कंडीशन है, कि और ये क्या है कि नोटेशन है, क्या है कि ये नोटेशन है, जैसे कोई कंडीशन है कि नॉट ए, कोई भी इवेंट है नहीं हो रही है, तो उसके क्या बोलते हैं, इसे सिंपल से दिखाते हैं, ए बार, ए बार, ए बार, ये होती है यानी ए और बी, यानी या तो ए हो रही है या बी हो रही है, ए और ये दूसरी होती है ए और बी, दूसरी क्या होती है ए और बी, यानी कि इसको दूसरा नाम है एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट ए और बी, कम से कम, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम ए और बी में क्या हो, इसे बोलते हैं A union B, क्या बोलते हैं उसको A union B, not A, not A का मतलब A dash A और B है तो A हो रही हो या B हो रही है, या हम कह सकते हैं we can say at least A और B, या A union B, A union B, ठीक। थर्ड है A and B, A and B, A और B में खड़ गया है ए एंड बी, ए और बी में क्या आ जाएगी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में, ए एंड बी में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा ए एंड बी, अब है ए, अब क्या हो गया ए बट नॉट बी, बट नॉट बी, बट नो बी, सॉरी नॉट बी, बट सॉरी बट नॉट बी, ए ए बट नॉट बी, अच्छा नाइदर ए नॉर बी, ना तो नीदर, नीदर ए नॉर बी, नीदर ए nor b, neither a nor b, neither a nor b, ये कहते हैं neither a, ना तो a ना ही b, neither a nor b, at least, अब क्या होता है अगर तीन हो, मान लिया at least a B and C, A B C, at least क्या कहेंगे, at least A B C, at least A B, A B or C, A B or C, at least कम से कम, कम से कम किसी में, A में, B में या C में, ये क्या हो जाता है at least A union B union C, एट लीस्ट क्या आ गया ए बी और सी में क्या जाता है ए बी और सी।
फिर को याद है ऑल थ्री, अगर अगर पूछे तीनों में से ऑल थ्री, ऑल थ्री, ऑल थ्री, ऑल थ्री का मतलब ए बी सी में, ए बी सी में से क्या पूछता है, अगर वो तीनों पूछता है, ए बी सी में क्या पूछता है वो तीनों, ए बी सी में तीनों पूछता है क्या आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, ये आ गया, ये आ गया, ये ठीक है भाई। देखो भाई देखिए क्या है, देखो भाई ये है एलजेब्रिक इवेंट। एलजेब्रिक इवेंट क्या होता है, मान लिया अगर कोई चीज इवेंट है ए, नॉट हैपन ए हो रही है, तो उसको नोटेशन जो सिंबल होगा वो होगा ए बार। अगर ए और बी, ए और बी में एट लीस्ट ए और बी में से, एट लीस्ट ए और बी में से एक हो रही है, तो उसको कहते ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अगर ये कहता है कि ए एंड बी में से, क्या कहता है वो ए एंड बी में से, तो क्या आ जाएगा ए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में से क्या हो रही है ए इंटरसेक्शन बी। अगर कहता है ए, ए तो हो रही है इवेंट बट नॉट बी, ए तो हो रही है लेकिन बी जो है इवेंट नहीं हो रही है, तो क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक इसी तरह से नीदर ए नोर बी, ना तो ए हो रही है और ना बी हो रही है, क्या होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी बार। अच्छा अब इनमें से क्या कि एटलीस्ट एक हो रही है, एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट ए बी और सी, ये कम से कम क्या हो रही है इनमें से एक ए हो रही है। अगर तीन इवेंट हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, इनमें से कम एक हो रही है, कम से कम क्या हो रही है भैया एक हो रही है, तो इसमें क्या आता है ए यूनियन बी यूनियन सी। और अगर फिर तीन इवेंट हो, कौन कौन सी इवेंट हो मान लिया, जैसे एक ए है फिर बी है फिर सी है, इन तीनों में से क्या हो रही है ऑल थ्री इवेंट, ऑल थ्री इवेंट अगर हैपन हो रही है उसे बोलते हैं ए, ए यूनि, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे बोलते हैं एलजेब्रा इवेंट, इसे क्या बोलते हैं एलजेब्रा इवेंट। ठीक है भाई आगे बढ़े, पढ़ ले एक होता है, अब है प्राइड, प्राइडता इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम है और फेवरेबल आउटकम है, और फेवरेबल आउटकम है किसी किसी भी इवेंट के, किसी भी इवेंट के, तो उनकी रेशियो होती है, उनकी रेशियो होती है, रेशियो क्या होती है यानी कि अगर कोई इवेंट ई है तो जो प्रोबेबिलिटी है अगर मान लिया अगर कोई इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी को डेनोट करते हैं हम पी से, पी क्या हो जाएगी टोटल नंबर आउटकम, नीचे आना है टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम, ऊपर आ जाएगी फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम, आउटकम ऑफ इवेंट, ऑफ इवेंट ई,
यानी किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी हो गई, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई वो क्या हो गया, द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या हो गई भाई किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर आउटकम इज कॉल्ड टू द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ई, कोई ई इवेंट है उसकी जो है फेवरेबल आउटकम निकाल लो, फिर क्या है कि टोटल आउटकम हो, फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो, यही इसकी क्या होती है प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी जो है पी ई, यानी ई कोई इवेंट है, पी ई से इसका डोनेशन करते हैं, यही रहता है पी ई। जो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है ऑलवेज, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इवेंट शुड बी 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1, यानी किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज 0 के बराबर या 0 से बड़ी और ऑलवेज हमेशा 1 से छोटी होगी, यही क्या हो गया है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को हमने जो है अभी किस सिंबल से दिखाया, हमने पी से, ठीक भाई। और ये तो कि जो है प्रोबेबिलिटी कोई हो रही और नॉट हैपन प्रोबेबिलिटी, नॉट हैपन प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, ये पी डैश ई, क्या बोलते हैं, पी डैश ई, पी डैश ई क्या हो गया भाई, कोई भी जो प्रोबेबिलिटी है वो जो है नॉट हैपन है, नॉट हैपन है। जैसे मान लिया ये कहते हैं कि टैल आने की, अभी तक हमने क्या कहा था कि कोई भी टैल आने मतलब टैल आने की था, अब हम कहते हैं कि ना टैल आने की, ना टैल आने की प्रोबेबिलिटी, ना टैल आने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लिया मैच हो रहा है कोई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, कि इंडिया के जीतने की और ना जीतने की, अगर मान लिया जीतने की प्रोबेबिलिटी तो होगी पी ई, इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैच में पी ई, और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी डैश ई। हमेशा जीतने और न जीतने, होने ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है इनका सम जो कितना होता है पी डैश ई प्लस पी ई, इनका ऑलवेज सम कितना होता है 1। किसी भी चीज की जो इवेंट होगी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी होने ना होने की, हैपन एंड नॉट हैपन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी डैश ई इक्वल टू पी ई प्लस 1, यानी दोनों का सम जो होगा होने ना होने का, यानी कोई चीज प्रोबेबिलिटी हो रही है और ना हो रही है उसका सम कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो पी या इसे यूं कर सकते हैं पी डैश ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, ये भी हो गया है। इसका मतलब अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मुझे होने की पता है और ना होने की निकालनी है तो वैसे क्या कर दो 1 में से माइनस कर दो, इधर आ गए जैसे रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे या जिसे पक्षांतर कहते हैं इसको इधर लिया है, तो 1 माइनस पी, तो पी डैश ई बराबर 1 माइनस पी। वी कैन से द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ शुड बी हैपिन एंड नॉट हैपिन विल बी ऑलवेज सम इज टू 1, और वी कैन से इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन टू बी हैपिन ऑफ ए चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर हमें कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमेशा क्या करते हैं उसमें से 1 में से माइनस कर देते हैं, ये हो गया किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज कॉल्ड टू द प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड टू द प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को किस डेफिनेशन से दिखाएंगे, मान लिया कोई इवेंट ई है तो पी ई, और कोई एस इवेंट है तो पी एस भी कह सकते हैं, ये कोई सिंबल ई कोई होते हैं नहीं कि ई कहना है, जैसे भी आप कोई सिंबल देखना चाहें ई कह दो एस कह दो, ठीक है। अब मैं जो है प्रोबेबिलिटी के, अब तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जो एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि होता निकलती किस तरह है, जैसे ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये बस यही फॉर्मूला है मेन प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसको ही याद रखना, मेन फार्मूला यही है, इसके बाद फिर और आगे एक्सपेंशन आएंगे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
पहले इस फॉर्मूले के बेस मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा ढेर सारे एग्जांपल से, जैसे जैसे एक कॉइन है, जैसे क्या है कॉइन, कॉइन का मतलब क्या कहते हैं, कॉइन का मतलब सिक्का, सिक्का सिक्का को कहते हैं। जैसे ये क्रिकेट मैच देखा भाई, क्रिकेट मैच में जो कॉइन टॉस होता है वो कॉइन होता है, या एक रुपया को भी जिसे हम कॉइन कहते हैं, एक सिक्का होता है, दो रुपये का सिक्का होता है, पाँच रुपये का, तो ये कॉइन होते हैं। क्या होते हैं ये कॉइन। जब एक कॉइन को हमने टॉस करा, एक कॉइन को टॉस करा, तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टॉय। क्या सकता है, एक कॉइन को टॉस करने पर क्या सकता है भाई, हेड भी आ सकता है और टेर भी आ सकता है। तो टोटल नंबर आउटकम कितना आ गए, टोटल नंबर आउटकम कितना आ गए, वन। टोटल नंबर आउटकम कितना आ गए, अगर दो सिक्कों को टॉस, अगर दो सिक्कों के दो कॉइन को मैंने टॉस करा तो कितने कितना आ गए, फोर वन कॉइन, फोर वन कॉइन, फोर टू कॉइन, फोर टू कॉइन, क्या आ गए एक। अब की क्या करा है मैंने, दो कॉइन लिए, उन्हें जो है टॉस करे, जैसे दो सिक्के लिए एक साथ, तो एक में क्या आ सकता है, दोनों में टेल टेल आ सकता है, फिर या क्या आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में टेल, फिर दूसरे में भी टेल टेल। ये कितना आ गए, कितना आ गए, फोर टू कॉइन, दो कॉइन के लिए कितना आ गया ये चार। टोटल नंबर आउटकम कितना आ गए, टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम कितना आ गए, फोर। यानी कि एक सिक्के को अगर मैं जो है टॉस करूंगा तो टोटल नंबर आउटकम कितना आ गए, वन। अगर दो सिक्कों को मैं जो टॉस करूंगा तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, चार। जैसे पहले में टेल टेल, फिर क्या आ गया टेल हेड, फिर क्या आ गया हेड टेल, फिर क्या आ गया टेल टेल, फिर क्या आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, एक दो तीन और ये चार, चार आ गए। अगर एक सिक्कों को वो टॉस करा तो क्या आ गया कहता है, पहले में हेड आ सकता है, फिर दोबारा कह रहा तो ये हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है टेल आ सकता है। तो ये कितने आउटकम हो गए, एक दो, तो ये टोटल आउटकम हो गए, यहाँ टोटल नंबर, सॉरी टोटल नंबर आउटकम हो गए ये दो। टोटल नंबर आउटकम कितने हो गए, दो। ये सॉरी भाई, सॉरी आपने भी ध्यान नहीं दिया है, ये दो लिख, एक लिखा गया था, होना चाहिए था क्या, दो होना चाहिए था। टोटल नंबर आउटकम कितने हो गए भैया, दो हो गए, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम कितने आ गए, दो, और दो कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम कितने आ गए, चार। अच्छा, अब अगर मैं जो है, अगर मैं यूं कहूं कि यार क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ वी टॉस ए कॉइन, इफ वी टॉस ए कॉइन शुड बी अ हेड, शुड बी अ हेड, शुड बी अ हेड, क्या प्रायिकता होगी अगर एक कॉइन को टॉस करें कि क्या नहीं एक क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ वी टॉस ए कॉइन शुड बी ए हेड, एक हेड आने की
क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता? अभी मैंने प्रायिकता प्रायिकता के क्या फॉर्मूला बताया, प्रायिकता का प्रायिकता क्या फॉर्मूला बताया, प्रायिकता लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला बताया, टोटल टोटल नंबर आउट का क्या टोटल अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया प्रायिकता का, टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम ऊपर क्या था, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल फेवरेबल ये क्या होता है फेवरेबल प्रायिकता, क्या होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, प्रायिकता क्या होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर, ये बार बार गेट पे कोई आ रहा है डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ वी टॉस ए कॉइन शुड बी ए हेड, तो प्रायिकता क्या, यानी कि क्या प्रायिकता होगी अगर एक कॉइन को टॉस करें और टॉस के में हेड ही आए, हेड ही आए, क्या प्रायिकता होती है इसके लिए, तो प्रायिकता का हमें फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट, ऑफ इवेंट, ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अभी बताया था मैंने अगर एक कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन को टॉस करें तो क्या आ सकता है भाई, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ये आ गया भाई, ठीक है, तो इसमें कितने हो गए टोटल आउटकम, एक दो, एक दो, एक दो हो गए, टोटल आउटकम कितना आ गए दो, और हेड कितना आ गया इसमें, फेवरेबल आउटकम इवेंट कितना आ गया, हेड कितना आ गए वन, क्या आ गए वन अपॉन टू आ गया, कितना आ गया भैया वन अपॉन टू आ गया, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट कितना आ गया वन, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट का आ गया दो, तो क्या आ गया वन अपॉन टू आ गया, क्या आ गया भैया वन अपॉन टू आ गया, ठीक आगे बात समझ में, तो आगे बढ़े भाई, अब अगर नया सवाल है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ वी टॉस टू कॉइन, टू कॉइन शुड बी, शुड बी टू हेड, टू बी हेड, शुड बी टू हेड, अब अगर मान लिया, अब सवाल है कि मेरा क्या प्रायिकता होगी अगर हम दो कॉइन को टॉस करें, दो कॉइन को टॉस करें और क्या होना चाहिए, दो हेड आने चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर प्रायोरिटी क्या होगी अगर दो कॉइन को टॉस करें और दो कॉइन को टॉस करने पर क्या आना चाहिए, दो हेड आ जाए, दो हेड आ जाए, जैसे जैसे मान लिया, अब मान लिया इसके लिए है टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम कितना आ सकते हैं दो हेड को करने पर, दो कॉइन को टॉस करने पर, हेड हेड, फिर टेल टेल, फिर टेल हेड, फिर हेड टेल, देखो भाई पहली बताया था मैंने आपको
दो कॉइन को हमने टॉस करा, दोनों में क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या दोनों में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, या एक में टेल दूसरे में हेड, ये एक में हेड दूसरे में टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए दो कॉइन को टॉस करने पर? एक दो तीन चार, कितने हो गए? चार। अच्छा शुड बी इन टू हेड, अब इनमें से दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे हेड कितने हैं? ये है दोनों पे हेड, दोनों पे हेड कितने हैं? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? फेवरेबल आउटकम कितना आ गया भैया? ये वन। फेवरेबल आउटकम कितना आ गए? वन। फेवरेबल आउटकम कितना आ गए? वन। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ गए? एक दो तीन चार, और फेवरेबल आउटकम कितना आ गए? वन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? प्रायोरिटी क्या होगी? यानी प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी इसकी? फॉर्मूला क्या है इसका? टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। ठीक है भाई, फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसमें? इसमें भी वन ही है, इसमें भी वन है, और इसमें कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? चार। तो कितने आ जाएगी? वन अपॉन फोर। देखो भाई, अब इसमें दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? वन अपॉन फोर आ गई। इससे पहले सवाल में क्या आई थी प्रोबेबिलिटी? वन अपॉन टू, और अब क्या आ गई? वन अपॉन फोर। अब इसमें एक खास बात है, देखिए हैं, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है, हमेशा जो है लेस देन, कैसे है हमेशा लेस देन क्या है? वन, मोर देन जीरो, और जीरो मोर देन जीरो है और लेस देन वन है हमेशा। यानी जो बताया था शुरू में, बताया था किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? जीरो या जीरो के मोर देन जीरो या जीरो के इक्विवेलेंट, और जीरो से क्या होगी? ये बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी चीज़ की क्या होगी प्रोबेबिलिटी है, वो हमेशा क्या होती है भाई? जीरो से इक्विवेलेंट या जीरो से बड़ी, और क्या होती है? एक से छोटी होती है। देखो हमेशा एक से छोटी आ रही है, ये हो गया। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ वी टॉस दैट द एट वन हेड, क्या है वन हेड, इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ वी टॉस टू कॉइन शुड बी वन हेड, शुड बी वन हेड। देखो भाई क्या कह रहा है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर दो कॉइन है, अगर हम जो है दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और उसमें से एक बार हेड जावे, एक बार हेड जावे। अगर हम क्या करें, हमने दो कॉइन को टॉस करा और उनमें क्या आ जावे, एक बार क्या आ जावे? हेड आ जावे। एक बार क्या आ जावे भाई? हेड आ जावे। देखो भाई, दो कॉइन को टॉस करने पर ये तो टोटल नंबर, तो आउटकम चार रहेंगी रहेंगी, ठीक। अब इनमें से एक बार हेड आ जाए, एक बार हेड कहाँ सकता है? यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और कहीं तो नहीं आ सकता?
यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ये ना ये है ना ये है। तो टोटल आउटकम कितनी होगी फेवरेबल, एक दो, एक दो। तो प्रैक्ट अगर फिर वह फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितनी है टू अपॉन टोटल नंबर आउटकम कितनी है फोर, यही है फोर ही देखा, इसे काट गया टू वन दा टू, टू टू दा फोर, तो कितना आ गया वन अपॉन टू, वन अपॉन। इसकी प्रायबिलिटी भी क्या होगी वन अपॉन टू है, यानी कि एक प्रायिकता किसी भी चीज की, किसकी प्रायिकता हम जो है कॉइन की बता दिया मैंने कि एक कॉइन को टॉस करके जब भी बता दी, अब दो कॉइन को टॉस करके जब भी बता दी। फिर इसके बाद क्या होता है कार्ड्स, इसके बाद क्या होते हैं एक एग्जाम पे लेके बताऊंगा मैं कार्ड्स, एक क्या एग्जाम पे लेके बताऊंगा मैं कार्ड्स, ठीक है समझ में आ गया भाई, ओके आगे बढ़े। एनी डाउट भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक। देखो अब सवाल है, अब है एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कार्ड्स, सुनो भाई कार्ड्स। कार्ड्स कहते हैं जैसे देखो गांव में भी खेलते रहते हैं बच्चे, या शहरों में भी बूढ़े बैठ के खेलते रहते हैं, या दुकानों में भी तू बच्चे आजकल खेलते हैं देखो। कार्ड्स का लोग है ताश के पत्ता, ताश का ताश के पत्ते को क्या कहते हैं कार्ड्स कहते हैं। अच्छा देखिए भाई कार्ड के पत्ते कितने सारे होते हैं भाई, वो देखा होगा इतनी मोटी गत्ती सी होती है ताश के पत्तों की भाई, तो वो कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं पता है किसी को भाई, इसमें ताश में टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं कितने होते हैं टोटल नंबर कितने होते हैं भाई कार्ड में 52 कितने होते हैं टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं भैया, किसी भी चीज़ के कार्ड में कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52। इन 52 में 26 कितने होते हैं रेड, और 26 कितने होते हैं ब्लैक। क्या हो गया भैया, इन 26 52 में 26 रेड हो गए और 26 क्या हो गए ब्लैक हो गए। अब 26 रेड में क्या क्या होता है, एक तो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स जिसे ईंट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं ईंट जैसे निशान का होता है, ठीक। एक होता है हार्ट का, हार्ट होता है, और ब्लैक में क्या होता है एक डायमंड और एक क्लब और स्प्रेड, इसे ईंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ईंट कहते हैं, इसे पान कहते हैं, इसे चिड़िया का कहते हैं, और ये हुक्म, ये अगर गाँव की देसी भाषा में इनके नाम ये होते हैं। जैसे भाई मैंने बताया टोटल कार्ड के पत्ते कितने होते हैं 52 में से 26 रेड लाल, 26 रेड हो गए और 26 कितने हो गए काले, इन 26 में से ब्रिक्स के 13 हो गए, हर्ट के भी 13 हो गए, चिड़िया के भी 13 हो गए, और स्प्रेड के भी कितने हो गए 13 हो गए, कितने हो गए 13 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52,
इन 52 इन विच 26 इन रेड 26 इन ब्लैक इन 26 रेड इज 26 इज ब्रिक्स हार्ट 26 क्लब 26 स्प्रेड इनकी 13 ईंट 13 पान 13 चिड़िया 13 हुक्का ठीक भाई इन जो 13 पत्ते होते हैं किसी भी चीज के चार अलग अलग 13 पत्ते होते हैं 13 में 13 जो कॉर्ड्स होते हैं ये इस तरह डिवाइड होते हैं एक तो होता है इसमें इक्का एस लिखा होता है एक क्या होता है किंग एक क्वीन एक क्या होता है जोकर और 2 to 10 नंबर्स 2 to 10 नंबर 2 to 10 नंबर के कार्ड होते हैं 2 to 10 नंबर के कार्ड होते हैं ये कितने हो गए ये देखो भाई इक्के का एक किंग का एक क्वीन का एक जे का एक प्लस 2 to 10 2 to 10 कितने कार्ड हो गए 2 to 10 2 to 10 कितने कार्ड हो गए बता सकते हैं कोई भाई 2 to 10 कार्ड हो गए कितने हो गए 2 to 10 कार्ड हो गए 9 2 to 10 कार्ड कितने हो गए 9 तो कितने हो गए 1 2 1 3 प्लस 1 4 और 9 13 हो गए यानी 2 to 10 तो 9 नंबर होते हैं एक इक्का होता है एक किंग होता है एक क्वीन होता है एक जोकर होता है एक टोटल को हो गए कार्ड 13 अब आगे बढ़ो यानी कि क्या मतलब समझे जैसे इन जो है 13 कार्ड्स में एक इक्का होता है एक किंग होता है एक क्वीन होता है एक जोकर होता है और 2 to 10 नंबर होते हैं इन अगर इन 13 में एक इक्का हो गया तो एक इक्का कैम होगा इसमें होगा ब्रिक्स में होगा एक इंक एक इक्का हर्ट में होगा एक कलम में होगा एक चिड़िया में होगा एक कैम होगा स्प्रेड में होगा कैम हो गया स्प्रेड में होगा तो टोटल कितने जाएंगे टोटल एक जिसे इक्का बोलते हैं टोटल इक्के कितने हो गए 4 टोटल एक कितने हो गए 4 किसी भी कार्ड में टोटल इक्के कितने हो गए 4 किंग कितने होंगे भैया किंग भी 4 होंगे क्वीन भी कितनी होगी 4 होंगे जोकर भी कितने होंगे 4 होंगे अगर किसी भी चीज की कार्ड्स में तो 4 ही तो कितने हो गए इक्के हो गए 4 ही किंग हो गई 4 ही क्वीन हो गए 4 ही जोकर हो गए ठीक और ये 2 से 10 तक के और बचे नंबर होते हैं अलग अलग कलर के और अलग अलग निशान के अलग अलग निशान के होते हैं ठीक है ये भाई ये कार्ड का फिनोनिमा है ये कार्ड समझ में आ गए होंगे यानी कि एक बार और इसको रिवाइज कर लो भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52 इन विच 52 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड इन 26 रेड में भी ईंट और पान के जो है अलग अलग होते हैं 13 फिर ब्लैक में भी चिड़िया और स्प्रेड हुक्म बोलते हैं जिसको ये भी अलग अलग होते हैं 13 ये भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं अच्छा इसको हार्ट को कहीं कहीं डायमंड भी कहते हैं शायद ठीक है नाम देख लो कोई दिक्कत नहीं है तो यानी कि 26 ब्लैक 26 रेड और इनमें से ईंट पान चिड़िया हुक्म में से सबके 13 पत्ते इन 13 में से एक इक्का होता है एक किंग होता है एक क्वीन होता है एक क्या होता है जोकर होता है क्या होता है भैया जोकर होता है इन जो 13 में से क्या होगा ये आगे समझो और जो इन जो टोटल 52 में से 4 इक्के होंगे 4 किंग होंगे 4 क्वीन होंगे और 4 ही क्या होंगे जोकर होंगे क्या होंगे 4 ही क्या होंगे भाई 4 ही इक्के 4 ही किंग 4 ही क्वीन और 4 ही जोकर होंगे और बचे हुए 2 से 10 तक के नंबर होते हैं ठीक अब एक है अब सवाल एक और है दो ठीक है आगे बढ़े
देखो मैं क्या प्रायोरिटी होगी, क्या प्रायोरिटी होगी टू बी कम, टू बी कम एंड इन अ कार, इन अ कार, एक कार्ड है वेल शफल्ड है, वेल्च वर्ल्ड का मतलब ये मिला हुआ है, इस तरह करते नहीं खेलते हैं, इस तरह ये वेल्च वर्ल्ड कार्ड है, उसमें क्या प्रायिकता होगी कि उसमें से एक इक्का जाए, क्या प्रायिकता होगी कार्ड की कि उसमें से क्या हो जाए भाई, एक इक्का हो जाए, आ जाए। तो प्रायिकता के लिए फिर वही फॉर्मूला है, क्या बता रखा मैंने, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर फेवरेबल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउट, टोटल नंबर आउट, ये प्रैक्टिकल का ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का हमेशा बताया था, क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउट, ठीक भाई, प्रायिकता बराबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कह के लिए कर रहा है मैं, कार्ड्स के लिए, एक कार्ड है, कार्ड्स में कितने भी बताए थे मैंने, बिल्कुल जस्ट अभी बताया कि टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं, किसी भी उसमें कितने टोटल नंबर कार्ड ये होते हैं 52, और कह की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है टू बिकम ए किंग, टू बिकम ए किंग, एक किंग आने की, एक कह कहने की किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी कार्ड, किंग कितने आ सकते हैं भैया, किंग आ सकते हैं किसी भी उसमें प्रोबेबिलिटी, किसी भी उसमें कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, चार, कितने किंग होते हैं किसी प्रोबेबिलिटी में, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो एक कार्ड दिया हो, एक कार्ड में कितने किंग होते हैं, चार, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए किंग, चार, तो 4/52, तो 4 से ये डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 30, क्या आ गया 30, इक्वल टू कितना जाएगा ये 1/30, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यानी एक कार्ड है, एक कार्ड में एक इक्का आने की या एक किंग आने की या एक जोकर आने की, क्योंकि या एक क्वीन आने की, क्योंकि चार ही किंग होते हैं, चार ही क्वीन होती है, चार ही जोकर होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4 हो जाएगी, क्या आ जाएगी ये 1/4। अच्छा अब अगर ये पूछता है कि क्या प्रायिकता होगी, क्या कि उसके ब्रिक्स का एक इक्का जाएगा, ब्रिक्स का या एक किंग आ जाएगा, ब्रिक्स का वाट, ठीक है, वाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू आउटकम एन किंग, एन ए किंग ऑफ ब्रिक्स, ऑफ कहेंगे ऑफ ब्रिक्स, ऑफ ए ब्रिक्स इन ए कार्ड, ऑफ ए ब्रिक्स, ऑफ अ ब्रिक्स एन किंग ऑफ ए ब्रिक्स इन कार्ड, इन वेल्च फंड कार्ड, इन वेल्च फंड कार्ड, यानी क्या प्रायिकता होगी किसी भी कार्ड के, वेल्च फंड कार्ड है कोई, कि एक किंग आने चाहिए, कह करनी चाहिए ब्रिक्स का, यानी कि एक एक जो है ब्रिक्स का, एक ईंट का क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए, एक ब्रिक्स का किंग आना चाहिए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी कि किसी भी कार्ड को अगर हम जो है उनमें से खींचें, एक एक ड्रॉन करें, एक क्या करें, एक
एक हमने जो है एक कार्ड लिया, उसमें से क्या करा, ड्रा करा, क्या एक कार्ड हमने ड्रा करा, खींचा कहने के लिए, और वो ईंट का इक्का हो, ईंट का इक्का हो, फिर उसके लिए भी यही यही है जू को तुम फॉर्म लिया, प्रेक्टर क्या फॉर्म लिया, फिर वही है घुमा फिर आगे प्रेक्टर इक्वल टू क्या होता है भाई, फेयरवेल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम इक्वल टू फेयरवेल आउटकम कितने होते हैं, कितने होते हैं फेयरवेल आउटकम की चीज के, किंग होना चाहिए कहने का बीच का, ब्रिक्स में कितने पत्ते होते हैं टोटल, ब्रिक्स में पत्ते होते हैं अभी बताया था कितने होते हैं भैया 13, कितने पत्ते होते हैं 13 में से कितने इक्का होता है, एक इक्का, कितना होता है एक इक्का, एक इक्का होता है, एक एक इक्का होता है, और एक क्या होता है किंग, एक ही क्या होता है किंग, एक ही क्या होता है जोकर, और एक ही क्या होता है क्वीन, तो इसमें फेवरेबल पूछ रहा है कि एक इक्का हो, एक किंग हो, एक जोकर हो, एक क्वीन, तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक किंग हो, एक किंग, एक किंग, तो फेवरेबल में तो एक किंग तो एक ही होता है, तो कितना आ गया पौन एक, लेकिन कार्ड्स तो कितने थे टोटल 52 ही होते हैं, तो 1/52 ये आ गई 52 आ गई, ठीक, अच्छा ये आ गई किसी भी कार्ड के, अगर हम कोई कार्ड है उसे वेल्च फोल्ड कर रहे हैं उसके जो है निकालने की क्या आ गई इसका एक प्रोबेबिलिटी बता दी कि एक कार्ड खींचे दो कार्ड खींचे तो उसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ गई, अच्छा ऐसा भी हो सकता है देखो लेकिन अगर सवाल है ना क्वेश्चन, यदि किसी कार्ड में चिड़िया का पत्ता होने की प्रायिकता 1/4 हो तो, 1/4 हो तो चिड़िया का पत्ता न होने की प्रायिकता बताओ, देखो भाई क्या है सवाल, ये क्या है सवाल, ये देखो भाई अगर कोई मेरे पास कार्ड है, मेरे पास कोई क्या है कार्ड है, उसकी प्रायिकता चिड़िया का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी है 1/4 है, चिड़िया होने की तक कितनी है, और चिड़िया का पत्ता न होने की प्रायिकता, चिड़िया का पत्ता न होने की प्रायिकता बतानी है, चिड़िया का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी है 1/4 है, चिड़िया का पत्ता न होने की, लेकिन चिड़िया का पत्ता होने की प्रायिकता क्या मान लिया है पी ई है, दिखाया था ना ये सिंबल से, पी कितना है 1/4, किसी भी चीज की प्रायिकता को मान लिया पी इक्वल टू क्या है 1/4 है, और न होने की क्या होगी पी डैश ई, न होने की क्या होगी पी डैश ई, ये निकालना है पी ई और पी डैश ई में क्या रिलेशन होता है भैया, पी ई प्लस पी डैश ई इनका सम कितना हो जाता है 1, क्या बताया मैंने पी ई प्लस पी डैश ई का सम कितना हो जाता है 1, पी ई कितना है भैया ये 1/4 प्लस पी डैश ई इक्वल टू 1, तो पी डैश ई इक्वल टू 1 माइनस के 1/4, 4 × 4 = 3/4 कितना आ गया ये 3/4 आ गया, क्या कितना आ गया
तो किसी चीज की अगर कोई प्रायिकता होने की प्रायिकता दे रखी है तो न होने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। अभी बताया था मैंने पीछे कि प्रायिकता होने और न होने का सम जो है प्रायिकता क्या होता है, वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपेंड एंड नॉट हैपेंड द सम विच ऑलवेज इज वन द प्रोबेबिलिटी पी ई प्लस पी डैश ई इज इक्वल टू क्या आ गया वन। तो p की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 1.4 प्लस p डैश e, इसे रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे दिया तो p डैश e इक्वल टू 1 माइनस 1.4 कितना आ गया, 1 में से 1/4 जाकर क्या आ गया 3/4 आ गया, क्या आ गया 3/4 आ गया। ठीक है भाई, अंडरस्टैंड, आगे बढ़े भाई। एक एक होता है डाई, डाई डाई का नाम सुना भैया, पासा पासा सुना भाई किसी ने, खेला भी पासा, हाँ भाई सुना किसी ने नाम डाई का या पासे का नाम सुना है, डाई कहता है पासा कहता है। जैसे एक हम घर में खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, वो लूडो का दाना, लूडो देखी ये वो इस तरह करके खेलते हैं, वो फेंकते हैं, तो इसमें लूडो का दाना, लूडो का दाना कितना होता है भाई, एक क्यूब साइड का होता है, एक क्यूब कंडी उसका डायमेंशन का, तो उसमें कितने आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम कितने होते हैं क्यूब में, जैसे एक तो वन आता है, एक वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स, याद है, या तो उसमें आता है वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है। ठीक भाई, इन टू फोर थ्री फैक्ट में से टोटल आउटकम कितने आ गए भैया, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना आ गए, सिक्स हो गए, एक दो तीन के भी छह लग रहे। अच्छा, इन जो दो और चार में क्या है, ये कैसे नंबर होते हैं, जैसे दो चार छ आठ दस, ये होता है इवन नंबर, ये क्या होते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं भाई, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये होते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, 1, 3, 5, ये क्या होते हैं भाई, ये क्या कहलाते हैं, 1, 3, 5, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ओड नंबर, ये क्या कहते हैं, ओड नंबर, ओड नंबर क्या क्या होते हैं वैसे, 1, 3, 5, ये नंबर विच नॉट डिवाइडेड बाई टू इज ओड नंबर, ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर, वो ये क्या कहलाते हैं, 2, 5, जैसे कहते हैं एक होते हैं प्राइम नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड ए इफ इट्स डिवाइडेड वन एंड इट्सेल्फ, वन एंड इट्सेल्फ इज कॉल्ड जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इधर भी आ जाएगा, ए नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड इट्सेल्फ, वन एंड इट्सेल्फ, यानी एक और अपना आप से जो डिवाइड हो जाए नंबर वो क्या कहलाता है, एक प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या कहलाएगा, वो 2 कहलाएगा। तो टोटल यानी एक पासा है, फिर देखो पासे में कितने आ जाते हैं, टोटल नंबर आउटकम 6 आते हैं, इस 6 में भी अलग अलग नंबर हैं, मान लिया जैसे
दो चार तो ये दो चार छः क्या है, इवन नंबर हैं, ओड नंबर हैं, 1, 3, 5 और जो है प्राइम नंबर हैं 2 एंड 5। ठीक, अच्छा। अब मान लिया फिर मैं जो है ये फिर मैं जो एक डाइगो करता हूँ, क्या करता हूँ एक डाइगो, मान लिया मैं फिर है एक वो है टू डाइव को मैं थ्रो करूंगा, टू डाइव को क्या टू डाई है दो डाइव को क्या करता हूँ मैं थ्रो करता हूँ, तो दो जेब डाइव को थ्रो करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो जाएंगे देखेंगे। दो डाइव को मैंने थ्रो करी है, फेंकी है एक साथ, जैसे एक से खेलते हैं ना, हमारे जी चाह रहा कि हम दोनों से खेलें जल्दी निपट जाएगी हम, तो दो से किस थ्रो होता है दो डाइगो, पहले मैं तो बनाता है दूसरे भी वन, ये भी हो सकता है, फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6 फिर क्या आ सकता है दूसरे में 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4 फिर 2 5 8 2 6 फिर क्या आ गया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और क्या आ गया 3 6 ये क्या आ गया फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 फिर क्या सकता है इसमें 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 फिर क्या आ गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 देखो भाई दो डाई है, दो डाई को मैंने थ्रो कराया एक साथ, दो डाई को थ्रो करने पर कितने आते हैं मैक्सिमम आउटकम, ये कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 ये कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 तो कितने हो गए टोटल आउटकम कितने हो गए, ये दो डाई को थ्रो करने पर टोटल आउटकम कितने है, टू डाई को थ्रो करने पर क्या आएगा टोटल आउटकम कितनी हो गई 36। दो डाई को आउटकम कितने पर हो गई भाई 30। अब इसमें देखो अगर बहुत इसमें बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, जैसे मान लिया क्यों ये क्या है कि दो डाई को मैंने थ्रो करी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों का सम जो है कितना हो जाए 9 हो जाए, दोनों का सम क्या आ जाए, दोनों पे सम देखो 9 कहाँ कहाँ आ रहा, एक तो ये रहा है कहाँ रहा 9, एक तो ये रहा 9, ये रहा 3 6 3 6 और एक कहाँ रहा, एक कहाँ 9 आ रहा, एक आ रहा है ये 4 5 और एक कहाँ 9, एक कहाँ रहा है 9 जो समझ आवे, एक कहाँ रहा है ये आ रहा है 5 4 एक कहाँ रहा है भाई 6 3 6 ये आ रहा है देखो 3 6 5 4 और तो नहीं कहीं 9 आ रहा है भाई, देखो सम जहाँ का रहा है, जैसे इसका इनका सम कितना है दोनों डाई का 2 इसका 3 है इसका 4 है इसका 5 है इसका 6 है इसका 7 है इसका 8 है इसका 10 है इसका 11 है इसका 12 है, तो सिर्फ कितने हैं इनमें जो दो डाई हैं उनका जो कितने
इवेंट हैं फेवरेबल जिनका दोनों का सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा। दोनों का सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा। दोनों का सम कितना आ रहा है? 9। कितना आ रहा दोनों का सम? कितने का आ रहा? 9। जैसे इसका 4, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 3 टोटल हो गए 4 जिनका। अच्छा, इनमें से अगर मैं ये पूछूं कि इनमें से जो ये 36 इवेंट हैं फेयरवेल टोटल आउटकम है किसी भी चीज़ के, दो डाई को करने के, थरो करने के, तो अगर मैं यूँ कह कहूँ कि इसमें से कितने में 12 आ रहा, सम कितना आ रहा, कितने पासों का सम जो है, कितने इवेंट का सम जो है 12 आ रहा इन 36 में। 12 किसका आ रहा देख के बताइए, देख के बताना भैया किसका आ रहा। देख के बताओ बच्चों किसका आ रहा सब। ये है देखो कितना आ रहा, यानी कि अगर फेवरेबल आ जाएगा ये आ गया 6, 6। क्या आ गया? 6, 6। जब एक सवाल फिर इसके ऊपर है, ये यदि यदि एक पासे क्वेश्चन है ये कि एक पासे में चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। एक पासा है, एक पासे को मैंने थ्रो कराया है, फेंका है, उसमें चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता का फिर वही फॉर्मूला है मोटा मोटा, वही है प्रायिकता बराबर क्या आएगा? प्रायिकता बराबर क्या आएगा? टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम क्या आएगा? फेवरेबल। तो प्रायिकता बराबर क्या आ गया यहाँ से? प्रायिकता बराबर देखो, प्रायिकता बराबर ये तो फॉर्मूला है जो सुबह में पढ़ते ही आ रहे हैं, कई बार लिख लें। टोटल आउटकम किसकी होगी? एक पासे को मैंने फेंका, एक पासे को फेंका, एक पासे में कितना आ सकता है मैक्सिमम नंबर, कितने टोटल नंबर आउटकम होती है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम पास को जब मैंने करा अभी बताया था कितनी होती हैं? 6। कितनी होती हैं? 6 बताया था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए थे, एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3, 4, 5 बोले 6, 6 नहीं आ सकता ये, ठीक है तो टोटल। और इसमें क्या है कि प्रायिकता क्या होगी? चार से बड़ा अंक आने की, चार से बड़ा अंक आने की, चार से बड़ा अंक कितनी बार आ सकता है? चार से बड़ा अंक कौन कौन से होते हैं? 5 और 6। कितने हो गए? 2 अंक हो गए। कौन कौन से हो गए 2 अंक? 5 और 6। तो फेवरेबल कितना हो गए? 2/6। 2/6 का क्या आ गया? 1/3। कितना आ गया? 1/3 आ गया। क्या आ गया ये? 1/3 आ गया। ठीक भाई, अच्छा ये भाई तोड़ लो।
आगे बढ़े बात भाई। अब है दो पासों को, दो पासों में अंकों का योग, अंकों का योग दो पासों में अंकों का योग क्वेश्चन है। दो पासों में अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन क्या है? दो पासों में अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बताओ। दो पासों में अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बताओ। तो क्या आ जाएगा? प्रायिकता बराबर क्या आता है फार्मूला? प्रोबेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था मैंने कि ये जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे। दो पासों को मैंने रूल करा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे पासे वाले? 36। दो पासों को एक साथ अगर मैंने वो करा है, फेंका है, तो उनमें टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36। और इनका योग 9 आने की, योग क्या आने की? 9 आने की। 9 किस तरह से गया? अभी बताया था मैंने, एक पासे में कितना आ जा? 5 आ जा, दूसरे में क्या आ जा? 4 आ जा। फिर एक में 4 आ जा, दूसरे में 5 आ जा। फिर एक में 3 आ जा, दूसरे में 6 आ जा। एक में 6 आ जा, दूसरे में 3 आ जा। ये तो होते हैं, और तो कोई हो नहीं सकता, और तो कोई हो नहीं सकता कि जिसमें जो है 9 आ जाए। बस ये हो गई, कितने हो गए ये? 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 कौन 36। तो 4 से डिवाइडेड 4 वन द 4 थ्री 9, क्या आ गए? 4 9 30, क्या आ गया? 1/9। किसी भी चीज की जो है प्रायिकता, अगर दो पासे हैं, दो पासों में अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता क्या आ गई? 1/9। 1/9 प्रायिकता बराबर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कम 36 आ गए, फेवरेबल आने की 4 हो गई, 4 से 36 पार्ट के 9 आ गए, तो 1/9। अच्छा तुमने देखो भाई बच्चों, एक हमेशा देखा होगा जितनी भी प्रायिकता के हमने क्वेश्चन करे अब तक, हमेशा प्रायिकता का मान क्या आ रहा है? 1 से क्या आ रहा है? लेस ही आ रहा है। 1 से क्या आ रहा है? 0 से मोर देन या 0 के इक्वल आएगा, और लिया लेस ये हमेशा आता है 1 से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। तो आज हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जो है डिस्कस करा था। जैसे सवाल बताए, कॉइन के बताए, कार्ड्स के बताए और डाई के बताए, तो एक प्रायिकता का बस यही एक फॉर्मूले बताया। कल को टाइप ऑफ प्रायिकता बताएंगे कि जैसे फेवरेबल प्रायिकता क्या फॉर्मूला बताया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कल को इसे पढ़ के आना है, और कल को आगे से इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसका रीज़न भी सबको घर पर बैठ के करना है। कोई अगर कोई एनी इंक्वायरी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो मेरे से जो है कल आगे लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है भाई? ठीक है, तो बस ये उतार लेना, घर जा के पढ़ना मेरे से, ठीक, बाय।